ये केमरोवो स्टेट यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग है, ये फर्स्ट फ्लोर है। कार्ड से एंट्री होती है यहाँ, फिर अंदर आते ही आपको यहाँ सामने एक छोटा सा कैंटीन मिलेगा एंड नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी कैंटीन मिलेगा। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस यूनिवर्सिटी में मेडिकल इंस्टीट्यूट के अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, इनका बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो इस यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन दैट इज MBBS की पढ़ाई इसी साल से स्टार्ट हुई है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं जैसे ताजिकिस्तान, इस सारे कंट्रीज से, बट इस साल से इंडियन स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आए हैं। तो ये केमरोवो सिटी में दो यूनिवर्सिटीज़ है, केमरोवो स्टेट यूनिवर्सिटी एंड केमरोवो स्टेट मेडिकल। तो फिर दो यूनिवर्सिटीज़ में ये डिफरेंस है कि स्टेट मेडिकल में सिर्फ जनरल मेडिसिन की पढ़ाई होती है, बट यहाँ पे और भी अलग कोर्सेज होते हैं। जैसे ये आप देख सकते हो, ये इनका डिपार्टमेंट है। यहाँ पे 3-4 फ्लोर्स है। ऊपर के फ्लोर पे आपको मेडिसिन इंस्टीट्यूट दिखेगा, उसका भी मैं टूर कराऊंगी आपको। देन अलग अलग फ्लोर पे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं मैं ये भी दिखाऊंगी आपको। सो चलते हैं। ये डिपार्टमेंट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, यह कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। ऐसे हर एक फ्लोर पे एक एक डिपार्टमेंट्स है। ये है इनका बिल्डिंग नंबर 1 जो कि मेन बिल्डिंग है। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स का काम होता है, एनाटॉमी की क्लासेस लगती है। इसी बिल्डिंग से कनेक्टेड और भी बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि बिल्डिंग नंबर 3, 4, 5 वो भी आगे है, तो अब ऊपर चलते हैं। क्लासेस लगती है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की, ज़्यादातर सब्जेक्ट्स इसी बिल्डिंग में लगती है। इससे कनेक्टेड और भी बिल्डिंग्स हैं जिसका एंट्रेंस वहाँ से भी है, इसके अंदर से भी कनेक्टेड है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ पे साइकोलॉजी, जुआलॉजी, रशियन लैंग्वेज सबकी क्लासेस लगती है। तो यहाँ से अंदर चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे बस 2-3 क्लासेस हैं, एनाटॉमी की क्लासेस हैं, जिसके अंदर आपको 3D मॉडल्स मिलेंगे पढ़ाई के लिए। मतलब जैसे बॉडीज रखे हुए हैं, वो बॉडीज अलग अलग चीज़ें इंटरप्रेट करती है, जैसे अलग अलग कार्डियक इश्यूज, जिस पे आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो अंदर चलते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हो अलग अलग मॉडल्स रखे हुए हैं, दैट इज़ सिमुलेटर्स। इसको आप ये नहीं बोल सकते कि ये डमी है या इस यूनिवर्सिटी में डमी में पढ़ाया जाता है, बट दिस इज़ एडवांस टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आपको अलग अलग सिमुलेटर्स मिलेंगे। आप ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हो, अगर वूंड हुआ है तो वो कैसे हील करना है। ये सामने आप देख सकते हो चोकिंग चार्ली, दैट इज़ चोकिंग अगर किसी पेशेंट को हो रहा है तो वो क्या करना चाहिए, उसकी आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। ये क्लास है, क्लासरूम, यहाँ पे बच्चों की क्लास लगी है। ये सामने एक स्केलेटन रखा हुआ है आपके लिए, एंड ये जो सिमुलेटर है इस पे स्टूडेंट CPR, दैट इज कार्डियो पल्मोनरी रिसुसिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक्चुअली टीचर्स का रूम है, यहाँ पे टीचर्स रहते हैं, बट यहाँ पे भी कुछ 3D मॉडल्स हैं जो वहाँ रखे हुए हैं, जो कि एक प्रेग्नेंट वुमन का है, एक बेबी का है। उसमें ये फिलहाल तो बंद है, बट आप देख सकते हो ये मॉडल, जैसे कि ये है, ये एक बेबी का मॉडल है, ये ओरिजिनल बेबी लगता है, ये उसका अम्बिलिकल कॉर्ड है, एंड ये एक वूम है कि जैसे बेबी बाहर आता है यहाँ क्या होता है ये बताया है। और ये है एंडोस्कोपी का 3D मॉडल, दैट इज़ वो एक्चुअली उसका इसके अंदर कैमराज लगे हुए हैं, वो स्क्रीन है, एंडोस्कोपी जैसे होता है वो उसमें बताते हैं कि एंडोस्कोपी कैसे होता है। तो ये फिलहाल तो बंद है, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, एक अलग वीडियो दिखाया जाएगा जिसमें कि वो बताया जाए कि एंडोस्कोपी कैसे होता है। एंड ये भी 3D मॉडल है, जिसमें ये एक प्रेगनेंट वूमन है। ये सारे मॉडल्स ओरिजिनल लगते हैं, उसका वूम बनाया हुआ, इसके अंदर बेबी है, बेबी कैसे बर्थ होता है पूरा सब कुछ इसमें बताया जाता है। ये बच्चों के लिए प्रैक्टिकल्स के लिए है कि इंस्टेड ऑफ रियल बॉडी, फर्स्ट ईयर में आपको इन सब पे कराया जाता है। आपको रियल बॉडीज भी मिलेंगी, बट वो हॉस्पिटल्स में होंगी। इस 3D मॉडल्स पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पे एनी टाइम। ये मॉडल्स रियल ह्यूमन जैसे बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं। इसके अलावा ये भी एक मशीन है, ये भी एक सोनोग्राफी का मशीन है जो कि USA से इंपोर्ट कराया गया है। ये ओरिजिनल मशीन है, सो दैट आपको इन सब मशीन्स की टेक्निकल चीज़ें यहीं पता चले, फर्स्ट ईयर में ही आपको ये सब बताया जाएगा। तो आगे कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ पे क्लासेस लगती है, वो भी मैं आपको बताऊँगी।
मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी, यहाँ कुछ स्कल्स वगैरह रखे हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि MBBS जैसे रशिया में होता है, वहाँ ओरिजिनल बोन्स या स्कल पढ़ाई करने नहीं मिलता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप देख सकते हो, ये सारे ओरिजिनल स्कल है। ये वाला भी ओरिजिनल है एंड ये वाला भी ओरिजिनल है, ये सारे ओरिजिनल है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि आप ओरिजिनल चीज़ों पे नहीं पढ़ सकते, ये है ओरिजिनल स्कल। आपको 3D मॉडल्स भी मिलेंगे, ओरिजिनल बोन्स भी मिलेंगे, आपको हॉस्पिटल में भी काम करने मिलेगा। सो ये भी है, ये वर्टेब्रा है, आप इस पर भी सारी डिटेल की पढ़ाई कर सकते हो। सो इसी तरह यहाँ सब कुछ रखा है।